सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक पार्टी की बैठक का आयोजन। जनपद अमरोहा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय रौनक वाटिका के पीछे केलसा रोड अमरोहा पर संपन्न हुई, जिसमें आए हुए पदाधिकारियों से सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। इसके बाद बोलते हुए जिलाध्यक्ष सत्यपाल तोमर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सड़क से लेकर सदन तक गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की लड़ाई लड़ रहे। हम सभी को गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं को बताना है कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री पंचायत राज ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयासों से जो लोग आवास विहीन है उनका सर्वे चल रहा है। कोई भी गरीब कमजोर व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर हमें सदस्यता अभियान को तेज करते हुए बूथ स्तर तक सुभाषपा को मजबूत करना है, जिससे आने वाले पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानी में अधिक से अधिक लोगों को चुनाव लड़ाया जा सके। हमारी अपनी सोच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमरोहा जनपद से सबसे ज्यादा सदस्य बनाए जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष सत्यपाल तोमर, आदेश अमरोही, बाबू राम पाल, जसवीर सिंह चौहान, राम गोपाल जाटा, वतिकुर रहमान, इस्लामुद्दीन इदरीसी, धर्मवीर सिंह बहेलिया, जितेंद्र राणा, कृष्ण राणा, आरती रेखा, विजेंद्र सिंह जाटव, खालिद हुसैन, मोहम्मद नाजिम, डॉक्टर जगत सिंह गुर्जर, शाकिब हसन, मनोज कुमार, कमल सिंह, तुलाराम जाटव, धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक हर 5 तारीख को प्रस्तावित है, उसी संबंध में आज मासिक बैठक रखी गई थी, जिसमें सदस्यता अभियान को और तेज गति से चलाने हेतु सब लोगों को निर्देशित किया गया है। अब चूंकि इस वक्त सर्वे चल रहे हैं ग्राम पंचायतों में और माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से कह करके स्पेशल गांव-गांव जा करके सर्वे कराया गया है, जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, जो वंचित समाज आज तक लाभ नहीं उठा सका है, चाहे वो शौचालय का हो, कॉलोनी का हो, या आपके नाली खड़ंजे का हो, या पानी की हो, इसी सब चीजों को लेकर सर्वे चल रहा है। और हर ग्राम पंचायत से 2, 4, 6, 10, 20, 25 जितने भी व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं उन सबको नाम सम्मिलित करके सरकार की ये सोच है कि 2 साल के अंदर इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। यही सब पार्टी के पदाधिकारियों को समझाया गया है कि कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा ना छूटे कि जो इस श्रेणी में आता है, गरीब, कमजोर, ऐसा है, उसको लाभ जरूर मिले, उसका नाम सम्मिलित जरूर कराएं। यही सब समझाया गया है। धन्यवाद।